गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको निकालते हैं भाई डेटा। आपको जैसे पता ही होगा कि डेटा केबल का काम अब ये कर लेता है भाई, ठीक है। इसको लगाएंगे यहाँ, इसको यहाँ लगाएंगे भाई सीपीयू पे। सीपीयू पे लगाएंगे, फिर मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, मोबाइल की फ़ोटो डालेंगे और फिर रिपोर्ट बना के भेज देता हूँ भाई मैं। आज का काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। स्विच को ऑन करेंगे भाई, ठीक है। स्विच वैसे ऑन है क्योंकि ये चार्ज होता रहता है, तो यूपीएस को ऑन करेंगे, ठीक है। यूपीएस हो गया, उसके बाद सीपीयू को ऑन करेंगे। सीपीयू हो गया, उसके बाद मॉनिटर को भाई। ये देखिए भाई, ये है जब स्टार्टिंग में मैंने मोबाइल लिया था, ये वीवो का, तो ये पहली पिक्चर, पहली फ़ोटोग्राफ्स ये है उसकी, ठीक है। तो ये फ़ोटोग्राफ हमारे किचन की है, गांव में जो किचन है, ये लकड़ियों में खाना बन रहा है, ठीक है। ये आलू मटर की सब्ज़ी बनी हुई है, ये रोटी दाल, ये पहले फ़ोटोग्राफ से ये है भाई उसकी, ठीक है। और ये मेरी भुल्ली उसमें, ठीक है, खाना खाते हुए। तो पहली फ़ोटोग्राफ इस मोबाइल से ये वाली थी मेरी। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट यही है, ठीक है। ये मेरे बेडरूम की है, गाँव में जो हमारा घर है, अपने बेडरूम की वहाँ पर की ये फ़ोटोग्राफ है। ये भी उसी टाइम की है स्टार्टिंग में। और ये भाई पानी की जो पाइपलाइन है ना, ये ख़राब हो गई थी, तो उसको सही करने के लिए गए हैं ये हमारे गांव के ताऊ। ये दोनों ताऊ जी हैं और ये छोटा भाई, ठीक है। और मैं, हम चार लोग जब हमारी पाइपलाइन ख़राब हुई थी तो गए थे भाई, ठीक है। फ़िलहाल अब तो गांव में ऐसी कंडीशन है कि कोई है ही नहीं। अगर इस प्रकार का पाइपलाइन टूट जाए तो बस दो चार ताऊ जी हैं और दो चार ही लोग हैं भाई, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ना गांव में। ये देखिए भाई, ये यहाँ पर राजू आ गया, ये गणेश आ गया। उस टाइम घर पे थे भाई लोग ना, सभी लड़के घर थे। अब लेकिन अब सब चले गए जॉब के चक्कर में। राजू दिल्ली चला गया, ये लुधियाना चला गया, ये भी लुधियाना है और मैं यहाँ हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार है। फिर ये ताऊ जी, इनकी तबीयत भी ख़राब रहती है तो बहुत दिक्कतें होती हैं अब गाँव में। ये देखिए भाई, ये मैं हूँ। तो बहुत बहुत मुश्किल आई थी भाई पाइप जोड़ने पर यहाँ पर ना, पूरा दिन हमारे यहीं लग गया था उस टाइम। ये है भाई, बहुत पुरानी मेमोरीज़ हैं ये, लगभग दो तीन साल पहले की। और ये हमारे गांव का स्वयं सहायता समूह है, तो 8 मार्च को ली गई ये फ़ोटो, दो तीन साल पहले की फ़ोटो है मेरे ख्याल से, 17-18 की फ़ोटो है ये, 2018, 8 मार्च 2018 की फ़ोटोग्राफ है ये। जो हमारे वीडियो है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कीर्तिनगर के, कीर्तिनगर ब्लॉक के, तो उन्होंने कहा कि इन स्वयं सहायता समूहों की एक फ़ोटोग्राफ भेज देना जब ये टेलीविज़न पे वो देख रहे हो मोदी जी का भाषण, महिला दिवस के ऊपर मोदी जी का भाषण देखते हुए इनकी फ़ोटोग्राफ्स मुझे भेजना, ये वीडियो ने कहा था। तब उस टाइम ये फ़ोटोग्राफ्स ली गई है भाई, ठीक है। और नेक्स्ट ये वही है भाई, ठीक है। और ये मेरे बचपन की है, ये तो खैर आप देख ही चुके होंगे। ये मैं हूँ और ये हमारे बगल पे नेहा, ये उसकी फ़ोटोग्राफ्स है। ये हमारी बचपन की फ़ोटोग्राफ्स हैं, जब दो तीन साल के रहे होंगे, दो साल के रहे होंगे लगभग, एक या दो साल के इतने ही रहे होंगे भाई। और ये भी वही उसी टाइम की है भाई, ये लगभग 2018 की फ़ोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। तो ये मैं हूँ, ये विनय रावत, ठीक है। ये हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं भाई रास्ते में, ये हमारे गांव के खेत हैं, सिंचाई वाले खेत, और गांव हमारा ऊपर है। और ये भी उसी टाइम की है, इनको भी आप देख चुके होंगे, ठीक है। ये बब्बू, गोली, लक्की, कुश्ती, लब्बू और मैं क्रिकेट खेलते हुए भाई, ठीक है। ये देखिए, ये टेनिस वाली बॉल और ये जुराफ वाली बॉल, मिरर है, मिरर के सामने ली गई फोटोग्राफ है भाई, ठीक है। ये बारिश का मौसम देखिए, कितना बढ़िया मौसम था। ये हमारा किचन गार्डन है, ठीक है, और हमारा जो कोर्ट यार्ड है वहाँ पर किचन गार्डन, और ये मैं अपनी बालकनी में, और ये मैं हूँ, ये रोहित है भाई, ठीक है। मेरा भाई कम और दोस्त ज़्यादा भाई, पड़ोसी है मेरा गांव में, ठीक है। ये आर्मी में है फ़िलहाल अभी, लेकिन ये हमारे घर यहाँ पर है और ये मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। तो मंदिर में सावन के महीने ये भंकोरे हैं भाई, भंकोरे कहते हैं इनको, ठीक है, वो बजाते हुए ये फ़ोटोग्राफ्स ले गई है। ये देखिए भाई, और ये मेरी मम्मी है, ठीक है। ये गुफा है भाई, गुफा केव है, महाकाल शिव जी की ये गुफा है,
शिवालय में, हमारे इधर है वो शिवालय धारी ढूंढसी की तरफ, वहाँ पर ये कथा बैठाई हुई थी हमने। उस टाइम मेरे फादर, उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हुई थी, उस चक्कर में यहाँ पर हमने कथा बैठाई हुई थी। उस टाइम की ये फ़ोटोग्राफ्स ली गई हैं भाई, ये वहीं पर है शिवालय में एक गुफा है अंदर भाई, साक्षात गुफा है ये, वहाँ पर शिव जी विराजमान हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सारी फ़ोटोग्राफ्स उस टाइम के लिए गई हैं भाई, 2018 की फ़ोटोग्राफ चल रही हैं ये अभी। ये हैं भाई तीन पंडित, ये विकास भाई, उनके पिताजी और उनका भाई, ये कथा कराएंगे यहाँ पर ना। तो ये है भाई मंदिर, अंदर है गुफा, ठीक है, अंदर महाकाल की गुफा। ये मेरे पिताजी हैं भाई, ठीक है, वैसे ये मुझसे यंग लगते हैं, फिट हैं भाई बहुत। मैंने अक्सर एक चीज़ देखा है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा पैदल चलता है ना, डेली 1-2 किलोमीटर जो चलता है, वो लगभग फिट ही रहता है भाई हमेशा, ठीक है। और हमारा तो ये है कि हम बैठे बैठे आलस्य और उससे जवानी में ही बूढ़े दिखने लग गए हैं भाई। ये हम खाना खुना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भंडारा भी था, भंडारा था वहाँ पर, तो लकड़ियाँ ले गए थे घर से, वहीं पे छोला पूर वो ये हाँ छोला पूरी और हलवा, ठीक है। ये देखिए भाई, ये फोटोग्राफ्स है भाई धारखोला की, धारखोला के जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर एक गांव है धारखोला, वहाँ के SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये फ़ोटोग्राफ्स है। तो उनको भाई हमने एक टाइम पे अचार और जैम बनाने का ट्रेनिंग दिया था, तो उसी का फीडबैक लेने के लिए हमने ये एक छोटी सी बैठक बुलाई थी भाई यहाँ पर, ठीक है। चोरकंडी में कोई कैप्टन साहब है, उनके मिसिज आंटी जी, और ये वो बना रहे हैं भाई धान होते हैं ना धान, तो उस धान को यहाँ पर कढ़ाई में इसको गर्म कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो गर्म करके इसके इसको यहाँ पर ओखली में डालेंगे, ओखली में डालकर इसके जो छिकल हैं वो छिलके वो निकल जाएंगे, और अंदर का जो पार्ट होगा वो खाने के लिए होता है भाई, ठीक है। इसको कहते हैं चूड़े गढ़ वाले, अगर जिस भाषा में हम बोलते हैं उसको कहते हैं कि चूड़े चूड़े बुखड़े, ठीक है। तो ये वो पार्ट है, ये फोटोग्राफ्स है खांकरियों की, वहाँ का ये वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और ये मैं हूँ। यहाँ पर हमारी वो मीटिंग चल रही है भाई, अकाउंट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट है वो किस प्रकार हैंडल करना है, उसका ये मीटिंग चलती हुई भाई, उसका फोटोग्राफ है ये। और ये भी अपने गांव के दादाजी हैं भाई, ठीक है। गांव में रोड नहीं है भाई, अभी तक भी नहीं है गांव में रोड, तो रोड पे उनको इस चेयर में लाए, जब उनके पाँव में चोट लगी वो चल नहीं पाए, तो इस चेयर में और इन डंडों के साथ में हम सब उसको रोड में लेके आए, ठीक है। हालांकि वो अभी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ये काफ़ी टाइम पहले की फ़ोटोग्राफ्स हैं, और लेकिन रोड अभी भी तक नहीं है, अभी तक भी नहीं है भाई। इसलिए नहीं है क्योंकि गांव में कम लोग हैं और वोटर कम हैं, इसलिए नेताओं ने अभी तक वहां पर कुछ खास प्रयास नहीं किया है भाई रोड के लिए, है ना। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स उस टाइम फ़ोटोग्राफ ली गई थी। 3 और 4 मार्च को किसान मेला पंतनगर विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ ली गई है। ये देखिए भाई, आपको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है भाई, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। और अब फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में जब भी मौका मिलेगा, और फ़ोटोग्राफ्स और मेमोरीज लेकर आएंगे, यहीं से शुरू करेंगे भाई, किसान मेले से, किसान मेले के फ़ोटोग्राफ्स से ही शुरू करेंगे भाई, ठीक है। अभी बहुत मज़ेदार फ़ोटोग्राफ्स और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ याद है भाई, अभी याद आएंगी, ठीक है।